कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका भूगोल का। जी हाँ, ये आज का पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, ये परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेटोस्टेनिस ने। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारी। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? भौमिक विकिरण। भारत का अक्षीय विस्तार है तो हो जाएगा 30 डिग्री। ब्रह्मांड के विस्तार को के किसने प्रमाण दिए? एडविन हम्बल ने। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ये है आपका रिक्त स्थान। ब्राजील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हिमालय के गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा आम्र वर्षा को कहते हैं। भूतल का वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है वह अभी केंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं। स्थल मंडल की बात करें तो भूपर्पटी व मेंटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल भू आकृति निर्माण। पृथ्वी का जो कंबल है भारत में की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 7517 किलोमीटर है। वन्य संरक्षण नीति 1998 का संशोधन किया, ये आपका सत्य है। यहां से देखिए मान भूगोल के विषय का महत्व बताइएगा। भू विक्षेपी पवने क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? प्रजाति विविधता से क्या तात्पर्य? जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? आपदा क्या है? आपदा के प्रकार। पश्चिमी तटीय निदान में के कई डेल्टा क्यों नहीं है? डेल्टा किसे कहते हैं? वर्तमान में आपदाओं की सुभेग्यता क्यों बढ़ गई है? पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? तापक्रम के व्युत्क्रम को समझाइएगा। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक। महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक आपको लिखना है। ठीक है, महासागरी जल के तापमान को प्रभावित करने वाले। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 16 है, ये 17 है, भूकंप किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ से आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, भौम जल से निर्मित अपर्दित और निक्षेपित स्थलों को बताइए। भारत में होने वाली वर्षा के प्रकारों को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का भूगोल